एक कहावत है कि चोर मचाए शोर, वही हाल है। आज हम बात करेंगे एक जो वेस्ट बंगाल में एक कैनल है, बस्की कैनल, उसके बारे में। ये आप डिसाइड करोगे वीडियो देखने के बाद, ये कैनल क्या है। और मैं हूँ राज, आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ। डॉगीज लाइफ आपके साथ है, डॉगीज लाइफ सच के साथ है। डॉगीज लाइफ में हमेशा आप सच ही पाओगे, सच के सिवा और कुछ नहीं पाइएगा। और डॉगीज लाइफ में अभी तक मेरा व्यूअर, मेरा भाई बहन जो अभी तक जुड़े नहीं हो, जुड़ जाइएगा, क्योंकि डॉगीज लाइफ में जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और डॉगीज लाइफ में हमेशा सच्चा जो कहानी है वही आप पाओगे। ये मैटर है भिगुसराई, जो आपका बिहार में है। वहाँ पे एक रितु बोल के एक मेरा भाई है, जो अच्छा पेट लवर है। उन्होंने आपका लॉकडाउन होने का टाइम में, ये उनको एक डॉग चाहिए था, जो केन कोर्सो। और ये केन कोर्सो बहुत जगह ढूंढ रहे थे, और एक्चुअली इनको सही जो ब्रीडर है वो नहीं मिल पाया। इसके वजह से ऑनलाइन में सर्च करके ये बस्की कैनल जो है सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल, उनसे मिस्टर अभिजीत गुप्ता, तो इनके साथ इंट्रोड्यूस किए। एक्चुअली ऑनलाइन इंट्रोड्यूस हुआ है। और इनके साथ बात करने के बाद जो एक आपका केन कोर्सो का प्राइस डिसाइड हुआ, उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिए। ऑनलाइन पे करने के बाद आपका लॉकडाउन के वजह से बहुत डिले हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन करीब करीब आपका चार पाँच महीना पहले वो जो केन कोर्सो का पप्स था, बॉस्को कैनल, डिलीवर कर दिया भिगुसराई में रितु जी के पास। और जो पप्स एक्चुअली उनको चाहिए था, जो क्वालिटी उनको चाहिए था, वो क्वालिटी उसमें नहीं था, चलो कोई बात नहीं है इसका। और एक उनको मेल या फीमेल का ज़रूरत था, इसीलिए और 10,000 रुपीज़ उनको फिर एडवांस किए ऑनलाइन। अब देख पाइएगा, क्योंकि पूरा ये शॉर्ट दिया हुआ है। और ये करने के बाद, ये 10,000 देने के बाद, जो पप्स, जो क्वालिटी का पप्स उन्होंने रितु जी को आपको शो किए, मतलब फोटो दिखाए या वीडियो सेंड किए, वो क्वालिटी वेरी पुअर क्वालिटी था, उन्होंने वो पप्स पसंद नहीं आया। इसके वजह से कि भाई अब वो पसंद नहीं आया, तो इसके वजह से वो लोग बोले कि भाई मेरा पैसा आप रिटर्न कर दो। तो जो भी हो, ये एक मैटर हो गया करीब करीब आपका चार पाँच महीना। तो वो पैसा उन्होंने रिटर्न नहीं कर रहा है, बहुत बार फ़ोन किए, बहुत बातचीत हुआ, बहुत कुछ हुआ। और इसके बावजूद इन्होंने कोई जो पैसा भाई आप लिए हो, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई रिटर्न करना, क्योंकि आप अगर सामान नहीं दे पा रहे हो तो आपको पैसा रिटर्न करना चाहिए ग्राहक को। और ये बोलते बोलते भाई फेड अप हो गया, तो उसके बाद इन्होंने कानून का सहारा लिया। तो कानून का सहारा बोले तो इसका मतलब लीगल नोटिस, बकायदा केस कर दिए रितु जी ने, ये आपका अभिजीत गुप्ता उर्फ आपका बॉस्को कैनल के ऊपर, ये इसका मतलब जो 420 का केस है। एंड इसके बाद आपका करीब करीब 2-3 दिन पहले उसके पास आपका ये जो नोटिस सार्व हो गया, वो कोर्ट का नोटिस सार्व हो गया। उसके बाद मेरे को ये फ़ोन किए थे, फ़ोन करके उल्टा पुल्टा बातें बोल रहा था। अच्छा, और एक बात, ये बॉस्को कैनल आपका डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा और आपका ये जो आपका मिस्टर विश्वास, इसका पहले जो वीडियो आया था, ये लोग के साथ कुछ जुड़ा हुआ है और ये लोग के साथ कुछ कनेक्शन है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सारा व्यूअर को कि ये मिस्टर अभिजीत जो है आपका बॉस्को कैनल का, हमको फ़ोन करके उल्टा पुल्टा बातें बोल रहा था, और बोल रहा था कि भाई हमको आज शाम तक, मतलब आज है आपका शनिचार सैटरडे,
आज शाम तक हमको उठा लेगा। हम उनको एक ही बात बोले, भाई तुम्हारा दम है तो भाई हमको उठा लेना, ठीक है। और हम कहीं छुपा हुआ नहीं है, और मैं कोई चोरी नहीं किया है। चोरी साला किए हो तुम, चोरी किए हो तुम, और बस्को कैनल को बोल रहा हूँ, चोरी किए हो तुम और हमको उठा लेगा तुम। हाँ, तुम्हारा उतना औकात है। और ये जो बस्को कैनल बोलते हैं, आप फेसबुक में देखोगे देखोगे, और आपका यूट्यूब में इसका चैनल है, ये कोई ब्रीडर नहीं है। पहला बात आप सुन लो, ये कोई ब्रीडर नहीं है, ये एक नंबर का दल्ला है। दल्ला ब्रोकर, जिसको दलाल कहता है, ये ब्रोकर है, और ये ऐसे दलाली करता है, और इसका औकात के बाहर है भाई, औकात के बाहर है। ब्रीडिंग करना मामूली बात नहीं है, ब्रीडिंग करना मामूली बात नहीं है। ब्रीडिंग का ABCD इसको पता नहीं है। इसके साथ जो बात किए है, ब्रीडिंग का ABCD इसको कुछ पता नहीं है। चले ब्रीडर बनने, अच्छा बात है, ब्रीडर बनो। और ये करीब करीब 5 महीना से पहले इसको मिस्टर रितु को, जो केन कॉर्सो वाला डिलीवर किए थे, उसका पेपर्स का जिकर आज किए थे। और कॉल रिकॉर्डिंग भी हम लोग डालेगा ये वीडियो का एंड में, पूरा वीडियो आप देखिएगा, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुनिएगा। वो पेपर्स अभी तक इन्होंने अप्लाई नहीं किया। आप व्यूअर, एक ये व्यूअर देख रहे हो या चाहे कोई ब्रीडर देख रहे हो, एक सिंपल सा बात है, करीब करीब अभी आपका 7-8 महीना वो डॉग मतलब पापसी पापी का एज है। अभी कोई ऐसा ब्रीडर है भाई अभी तक अप्लाई नहीं करता है, एक बोलो आप क्या बोलोगे। और ऊपर से इसका बिहेवियर सरक छाप जंगली कुत्ता जैसा, सरक छाप जंगली कुत्ता जैसा। आदमी तो इसका स्वभाव में कोई आदमी का बर्ताव नहीं है, और बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि भाई मैं फलाना हूं, ढिमका हूं। भाई एक बात बोल रहा हूं, तुम्हारा ऊपर जो केस हुआ है ना, तुमको अभी बेगूसराय में जाके हाजिरा लगाना पड़ेगा, देख लो। और आप देख लीजिएगा, ये इसके साथ आपका कोर्ट केस हो गया है, और ये कैनल ये जो है पूरा फ्रॉड है। कोई भी इसके साथ अगर प्रॉब्लम किसी का हुआ है इससे पहले, कृपया कृपया करके डॉगीज लाइफ के साथ संपर्क कीजिए। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, नहीं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम में मैसेज करिए। और ऐसा जो घिनौना काम करते हैं, चाहे कहीं भी, चाहे बंगाल हो चाहे बंगाल के बाहर हो, इसको सामने लाना चाहिए। और ये जो बस्की ना क्या बस्को जो है, ये कोई भाई ब्रीडर नहीं है, ये पहले आप सोच लो, ये पापी मिलर है। और भूल करके भी ये सब दरिंदा जो है, दरिंदों से बिल्कुल कोई सौदा ना कीजिए, क्योंकि इसके साथ सौदा करने से आपका धोखेदारी होने का चांसेस 99% है। और बात करता है भाई टाटा बिल्ला जैसा, रईस खानदान है उसका, और काम ये घिनौना काम है। 2 रुपया का साला औकात नहीं है, 10,000 रुपया खा के बैठा है चोर। और बात करता है बड़ा बड़ा, ये जो चोरों को सपोर्ट मत कीजिए, सबको सामने लाइए, ये चोरों को सामने लाइए, और ये सब चोरों को डॉग गेम से बाहर करिए। यही डॉगीज लाइफ का मोटो है, डॉगीज लाइफ का यही मोटो है कि भाई ये जो डॉग गेम है इसमें साफ सुथरा आदमी रहे। ये जितना ऐसा कचरा है, कचरे को ये डॉग गेम से बाहर करना है। ये पीड़ा हम डॉगीज लाइफ उठाए हैं, डॉगीज लाइफ अकेला का बस का बात नहीं है, ये डॉगीज लाइफ के साथ आप लोग को भी जुड़ना है, क्योंकि ये अकेला का बात नहीं है। एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ये सभी अगर मिलके सामने आइएगा तभी ये संभव होगा। और ऐसा कैनल, ऐसा ब्रीडर, ऐसा ब्रोकर बहिष्कार कीजिए। और डॉगीज लाइफ कोई भी ब्रीडर या पेट शॉप का जो चलाते हैं उसका खिलाफ नहीं है भाई, ना कोई ब्रोकर के खिलाफ है। भाई आप अगर कोई कस्टमर के साथ सौदेबाजी कर रहे हो, कोई डीलिंग्स करते हो, तो भाई प्रॉपरली करो, सही से करो। आप भलाई 2 रुपया दाम प्राइस ज्यादा लो, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी के मैटर में कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। डॉगीज लाइफ का यही बढ़ता है, और जुड़ा रहिएगा डॉगीज लाइफ के साथ, डॉगीज लाइफ हमेशा सच आपका सामने लाता है। नमस्कार।
डॉग लिया है। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? डिपार्टमेंट से? हेलो सर, बात करो सर, बस की लाइन बस बन के आओ ना, बस की है लाइन में। बस की कौन है? इत्तू की उसके अंकल कौन है लाइन पे? हेलो कौन है लाइन पे? सर जी हाँ हेलो। हाँ जी भैया, कौन है आप? रितु के उसके अंकल बोल रहे हो? हाँ। ये लाइन रिकॉर्डेड है, साफ सुथरा बोलना, अच्छा से बोलना। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं बॉस की बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा एडवांस का क्या हुआ? आपका एडवांस का क्या हुआ? मेरा बारे में आप फॉल्स क्लेम लिख रहे हो ऑनलाइन। आपका रितु से मेरे पास व्हाट्सएप चैट है क्लियर कट, जिसमें उसने लिखा है कि देखिए भाई साहब, जब तक आप रिव्यू रिफंड नहीं करोगे, हम फॉल्स रिव्यू हटाएंगे नहीं ऑनलाइन। ही हैज एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेड ऑन व्हाट्सएप कि उसने फॉल्स रिव्यूज डाले एवरीवेयर। फॉल्स रिव्यू क्या? हेलो हेलो हेलो, आपका कितना टोकन है भैया? फॉल्स रिव्यू क्या है उसमें? आपका कितना टोकन है? 10,000। 10,000 राइट, बहुत बड़ा अमाउंट है। सेकेंड चीज, फॉल्स रिव्यू क्या है? जो आपका फर्स्ट बच्चा गया था फीमेल, हाँ, आपको मिला था ना? हाँ। आपने रिव्यू में क्या लिखा है? वेरी बैड क्वालिटी। हाँ, उसका पेपर नहीं मिला है तो क्वालिटी क्या? पेपर नहीं मिला, सुनो मैं बात, मैं कहीं और पहुंच रहा हूँ। आपने रिव्यू में क्या लिखा है? लो क्वालिटी पप्पी, राइट? सही है। आपको एहसास है वो क्या क्वालिटी था और आपको क्या प्राइस में मिला है? प्राइस मायने नहीं रखता। वो मायने रखता है व्हेन यू से समबडीज प्रोडक्ट इज बैड, यू कैन नॉट से फॉल्स क्लेम। मैंने बोला था वो करेक्शन कर दो, बोलो कि तुम्हारा पैसा ड्यू है, आई विल गिव इट टू यू, बट इफ यू टेल मी माय पपी वाज बैड। नहीं, वो 1,00,000 का कुत्ता 65,000 में तुमको दिया, समझे? जो भी हो, 1,00,000 का बच्चा आपने जो दिए हो वो आपका पॉसिबल है तभी ना दिए है, तो कोई मांग नहीं है। वो क्यों लिखेगा बैड क्वालिटी पापी ऑनलाइन? दैट इज द ओनली मिस्टेक ही इज मेकिंग। वो पेपर, उसका पेपर का बारे में बोल रहा है। पेपर का बात हुआ था भाई, पेपर मिलेगा, सब मिलेगा, बट यू हैव टू करेक्ट व्हाट यू आर ब्लैकमेलिंग मी विद। यू कैन नॉट राइट आई सेंड यू अ बैड क्वालिटी पेपर। ब्लैकमेलिंग हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? ब्लैकमेलिंग है, तुम क्यों लिखेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? तुम लिखो ना, 10,000 बाकी एडवांस है, वापस नहीं आया। आई विल गिव इट टू यू, आई एक्सेप्ट 10,000 इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग, राइट? मैंने कुत्ता खराब क्वालिटी का नहीं भेजा तो नहीं भेजा। सुनो, हेलो हेलो हेलो, अभिजीत गुप्ता जी, अभिजीत गुप्ता भाई सुनिए। हाँ बोलो। आप उनका पेपर भेज दो और जो पैसा एडवांस है भाई, पेपर अप्लाई नहीं किया है, चलो अप्लाई नहीं किया है हम। अच्छा, जो भी हो, आप बोलो, जो भी हो अप्लाई करो। अप्लाई हुआ नहीं है? नहीं पता, नहीं, सुनो सुनो सुनो, यू हैव नो अथॉरिटी, बट फिर भी तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, क्यों? पेपर अप्लाई नहीं हुआ है, दैट पेपर इज की दैट एवरी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट विल नो। सेकंड चीज, उसको करेक्शन करना पड़ेगा ऑनलाइन कि मेरा पापी लो क्वालिटी नहीं था, राइट? He was very happy when he received the first quality puppy. He was very happy with the outstanding quality, India ka number one quality channel mein se tha. ठीक है? कौन सा channel से है भाई? कौन सा channel? कौन सा channel है? Online ki puppy low quality ka tha. हाँ. उसको remove करवा दो. I will give him his money back. I don't care about the other reviews. मैंने एक बार भी नहीं बोला पैसा नहीं लिया, ना एक बार भी नहीं बोला पैसा नहीं दूंगा. False claims हटाओ. I will give you the money. ठीक है? और paper कितना दिन में मिलेगा इनको? Paper when I apply, he will get it. You have no authority to ask me that. औकात उतना पूछो ब्रदर। हेलो हेलो, हाँ, उतना गर्मी गर्मी, सुनो सुनो सुनो, नाम बताओ भाई, भाई गर्मी अपने पास रखो, अपना नाम बताओ पहले, गर्मी अपने पास रखो, गर्मी अपने पास रखो। मेरा नाम जो भी है, रेंदो, तुम्हारा नाम क्या? डरता क्या है तुम? बोलो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है राज, बोलो। राज क्या है? फुल नेम? मेरा नाम अभिजीत कुमार गुप्ता है, तुम अपना नाम बताओ फुल नेम। राजकुमार है, बोलिए। राजकुमार क्या? तुम बंगाली है यार, राजकुमार कैसे हो सकते? तुम अपना एक्चुअल नाम बताओ ना। तेरे को ना, हेलो हेलो, मेरा आईडी, आईडी कार्ड भेज देंगे, ठीक है? हाँ, भेजो आईडी कार्ड मेरे को, ठीक है? एंड सेकंड चीज, हाँ, तुमको पूछना नहीं पड़ेगा कि पेपर कब जाएगा, ठीक है? मेरे को, अरे भाई, सोशल मीडिया है, पूछ ही सकते हैं। तुम तो बना नहीं, यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर सारा एंट्री निकालेगा पीछे से, यहाँ बिना 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 फैक्ट का तुम कैसे पब्लिश किया किसी के बारे में? सुनो ना, तुम्हारा ना जो कांड है ना, पूरा पीएफए में डालेगा। तुम कांड करवा रहे हो मनाज से, मनाज पीएफए में डालेगा, क्वेश्चन कर रहा है, और एडब्ल्यूबीआई में डालेगा, रुक जाइए। जाओ ना एडब्ल्यूबीआई में डालेगा, मैं एडब्ल्यूबीआई का मेंबर हूं यार, जाओ। अरे जो करना, जाओ, तुम घंटा हो भाई, तुमको आईडिया नहीं हम कितना इजी काम करते हैं, तुम घंटा हो भाई, चलो जाओ, ठीक है, जितना औकात कर लेना, ठीक है, चलो। और तुम, हां, बेगूसराय, मिस्टर बेगूसराय, हाँ हाँ बोलो, हटाइए
मैं पैसा रिफंड करूंगा. इफ यू डोंट रिमूव द फॉल्स क्लेम यू आर द लूजर. मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला. हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता. लगे रहो, लगे रहो. चलो चलो.